लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने बनवास व सिंगाना में झुग्गी झोपड़ी में बांटे भोजन पैकेट। सिकवाटी में संचालित लोक सेवा ट्रस्ट मंदिर के द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तहत लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा बनवास और रेलवे लाइन के पास बसी झुग्गी झोपड़ी के परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। भोजन पैकेट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिंगाना के सरपंच विजय पांडे रहे। अध्यक्षता महावीर ठेकेदार ने की। विशिष्ट अतिथियों में डाना सरपंच विकास सैनी, समाज सेवी कैलाश पांडे, अमर सिंह नेहरा, विकास बालोटिया, सुबेदार रमेश बोलियान रहे। ट्रस्ट के सिंगाना प्रभारी नरेंद्र स्वामी ने बताया कि लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट दीन दुखियों गरीबों के हितों के लिए कार्य कर रही है, जिसके लेकर आज झुग्गी झोपड़ियों में खाने के पैकेट वितरित किए गए। इस मौके पर पवन पांडे, व्याख्याता मुकेश भार्गव, बजरंग मीणा, अनिल कुमावत, मुन्ना राजोरा, हेमंत, शबीर खान, कालू यादव, भोजराज मीणा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है बहुत सराहनीय कार्य है। मैं पेपर मीडिया, सोशल मीडिया बहुत देखता हूँ, उसको फॉलो भी करता हूँ, तो मैंने देखा है कि समय समय पर ये लोग ऐसे ही परिवारों के पास पहुँचते हैं और उनको जो भी आर्थिक सहायता होती है या फिर भोजन संबंधी जो परेशानी होती है वो सारी दूर करते हैं। पीछे भी इन्होंने सर्दी के मौसम में कंबल वितरण किया था। अभी लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट 15 अगस्त को झंडारोहण का कार्यक्रम भी यहीं कर रहे हैं। ज्ञान मंदिर ट्रस्ट है, ये सिंगाना का एक बहुत सराहनीय ट्रस्ट है और मैंने कई बार देखा है कि यहाँ गरीब लोगों को इन्होंने पीछे भी सर्दी में कंबल मुहैया कराई थी और दिवाली पर मिठाइयाँ दी थी और मिठाई के डब्बे काफ़ी। सिंगाना के जो ये ट्रस्ट है ये मैं मानता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक ट्रस्ट है और झुंझुनू जिले में पहला काम देखता हूँ तो ज़्यादातर ये लोक सेवा ज्ञान मंदिर सिंगाना के ट्रस्ट से ही ज़्यादा होता है। और ये सुनना हमारा है कि कल या अपना झंडारोहण भी 15 अगस्त का यहीं किया जाएगा और आज का आयोजन लोक मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जो है बहुत ही सराहनीय और सुंदर कार्यक्रम है। यहाँ इस बस्ती में जो वितरण किया गया, इस बस्ती की आवश्यकता को देखते हुए आप लोगों ने एकदम उचित समय पर उचित निर्णय देकर इनको काफ़ी राहत दी है। इससे पहले भी आपका एक बार ये कार्यक्रम जो है हुआ और वो भी सफल हुआ। सभी लोग जो भी जितने लोग इसमें शामिल हैं देख रहे हैं, इनको भी एक ये प्रेरणा स्वरूप कार्यक्रम है, इससे प्रेरणा मिलती है। भविष्य में भी ऐसे आप लोगों के सार्थक प्रयत्न द्वारा कार्यक्रम चलते रहे, लोगों को प्रेरणा मिलते रहे, लोगों को सहायता मिलती रहे, हम इसी कामना के। जुजारपुर में बामासा की स्मृति में किया पौधारोपण। मानवता कला ग्राम पंचायत के जुजारपुर गाँव में बामासा खैलेराम गुजर की स्मृति पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुजर रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद विद्यालय में छात्र छात्राओं को कॉपी पेंसिल सहित अध्ययन सामग्री का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि भारतीय संस्कृति में हर त्यौहार, जन्मदिन, पुण्यतिथि या स्मृति में पौधारोपण करना चाहिए, जिससे हरियाली तो रहेगी साथ ही ऑक्सीजन का अभाव भी नहीं झेलना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन प्रभु राजोत्तन ने किया। इस मौके पर बागियाम होशियार सिंह, रोहतास, हरफूल, विक्रम, महावीर, मन संदीप, मुकेश, भागीरथ, नरेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत मानवता कला के ग्राम जुझारपुर में स्वर्गीय समाज सेवी ख्याली राम जी गुज्जर की याद में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यहां के बुजुर्ग युवा साथी शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूलों में विद्यार्थियों को पेंसिल कॉपी सहित सामग्री वितरित की गई। गौ माता की मौत पर हिंदू रीति रिवाज के साथ किया अंतिम संस्कार। हिंदू संस्कृति में परिवार में कोई निजी सदस्य की मौत होने पर पूरे धार्मिक हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। खेतड़ी उपखंड के इलाके में धर्मवीर स्वामी की पालतू गाय की मौत होने पर उन्होंने गौ माता का अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ करके पशु पक्षियों के साथ मधुर सरबंधों की एक मिसाल पेश की है। गाँव में जब धर्मवीर स्वामी की गाय की मौत हो गई तब उसकी पत्नी अंजू देवी और समस्त इलाकेवासियों ने एक नहेल पर करते हुए गाय को भारतीय संस्कृति के अनुसार दफनाने का कार्य किया। गांव की महिलाओं ने गाय को चुनरी उड़ाई व गाय माता का श्रृंगार भी किया। वहीं महिलाओं ने लोकगीत गाकर गौ माता को अंतिम विदाई दी। आज गांव इलाकर में द्रविड़ स्वामी की स्वयं की पाली हुई गाय की मृत्यु होने पर द्रविड़ स्वामी व उनकी पत्नी अंजू देवी व हम सब ने मिलकर के गाय को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दफनाने का संकल्प लिया, जिसमें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा पट्टा पत्रावली का समय पर निस्तारित नहीं करने के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा पट्टा पत्रावली का समय पर निस्तारित नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की।
इस दौरान ग्रामीणों ने अधिशासी अधिकारी पर कार्यालयों के बेवजह चक्कर लगवाने कर परेशान करने का आरोप लगाया। SDM जयसिंह चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसके दौरान विभिन्न मांग रखी गई। इस मौके पर पूर्व पार्षद गजेंद्र जलंधर, नाथुराम, जितेंद्र कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को SDM के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर पूरी खेतरी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को जो पट्टे की जो पत्रावलियाँ हैं उनको नगर पालिका के द्वारा निस्तारण नहीं किया जा रहा। ईओ साहब की उदासीनता और निष्क्रियता की वजह से आम जनता परेशान हो रही है, इसके लिए आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी कर काटे चालान। पुलिस थाने के सामने शुक्रवार को नाकाबंदी कर वाहनों के चालान करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने की हिदायत दी। ASI कैलाश चंद ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान बाहर से आने वाले वाहनों की जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट दुपहिया वाहन का संचालन करने पर 10 वाहनों के चालान किए गए। इस मौके पर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने व गाड़ी चालकों को सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी गई। वाले और जो 2-3 सवारी और लोड तेज गति स्पीड से जो चल रहे हैं उनके खिलाफ अफसरान के आदेशानुसार अभियान चल रहा है, जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं सर। जानकारी के अनुसार खेतड़ी के शहर से मुख्य सड़क लाइन गुजरने की वजह से ओवरलोड स्पीड में गाड़ी चालक गुजरते हैं, जिसकी शिकायत लगातार लोगों द्वारा पुलिस को की जा रही थी, जिसको देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। वहीं ओवरलोड के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन में अजित विवेक मैत्री महोत्सव का हुआ आगाज। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दी जाएगी जल संरक्षण की जानकारी। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर खेतड़ी के अजित विवेक म्यूजियम परिसर में 3 दिवसीय अजित विवेक मैत्री महोत्सव का शुभकार को शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि हेरिटेज एक्सपर्ट देवाशीष, विशिष्ट अतिथि रमाकांत वर्मा, हिमांशु तनेजा थे, जबकि अध्यक्षता मिशन सचिव आत्मनिष्ठान महाराज ने की। मिशन के रामकृष्ण परमंश, माँ शारदा देवी व विवेकानंद के प्रतीक चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पहले दिन अजित विवेक म्यूजियम को बनाने का पूरा सफरनामा प्रोजेक्ट के माध्यम से चलचित्र के द्वारा समझाया गया। वहीं शाम को भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्मृति मंदिर खेतरी में आज 3 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अजित विवेकानंद मैत्री उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव का ये पहला दिन है। अजित विवेकानंद मैत्री उत्सव जो रामकृष्ण मिशन आश्रम खेतरी में इस समय आयोजित हो रहा है, ये 3 दिन तक चलेगा। इसको 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक वह भाग जिसमें बौद्धिक स्तर की चर्चाएं होंगी और हम स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह जी के संबंधों के साथ साथ उसके बौद्धिक स्तर को भी यहाँ पर समझ सकेंगे। कई वक्ता यहाँ आएंगे और अपनी व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे युवा, वृद्ध, नागरिकगण, बच्चे सभी लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा की जा सकती है।